हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो चैनल। गाइस, आज की वीडियो वो रहने वाली है स्प्लेंडर के ग्रिल सेट के ऊपर। तो ऑलमोस्ट मैं आपको सभी तरह के ग्रिल सेट जो कि स्प्लेंडर प्लस के लिए आते हैं उनका मैं आपको जो है इस वीडियो में दिखाऊंगा, और साथ में जो बाइक में लगा के उसको उसकी एक लुक भी आपको दिखाऊंगा। तो गाइस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो, तो पूरा इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर सबसे पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट ग्रिल सेट की, तो ये जो ग्रिल सेट है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसका ऊपर मैं आपको जो है आई बटन में लिंक दे दूंगा। और ये जो ग्रिल सेट है ये ब्लैक कलर में आता है, और किसी किसी में ये मैट फिनिश भी इसकी हो सकती है, यहाँ पर ये ग्लोसी फिनिश है। तो दो तरह के ये जो है आते हैं, और ये इतना जो है मजबूत नहीं होता, तो आप इसको जो अपनी बाइक में लगा सकते हो। अगर आप इसको एक बार फिट कर ले तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, लगाते वक्त इसमें जो है दिक्कत आ सकती है, क्रैक वगैरह इसका जो है आप वो हो सकता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आपको जो स्क्रू वगैरह इसके साथ ही मिल जाते हैं, जितने भी ग्रिल सेट होते हैं उसके जो स्क्रू है उसको आपको जो है लगाने के लिए साथ में ही मिलते हैं। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट ग्रिल सेट, और इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मैं आपको जो आई बटन में लिंक दे दूंगा इसका, आप उस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर आपको जो है इसके कुछ शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस चलते हैं अभी अपने सेकंड ग्रिल सेट के ऊपर। तो गाइस ये भी ग्रिल सेट जो है सेम रेंज में आता है, मतलब इसका प्राइस भी पहले वाले ग्रिल सेट के जो है साथ मैच करता है। और इसमें भी टोटल आपको चार इंडिकेटर्स की ग्रिल मिलती है, लेकिन इसका जो कलर है वो थोड़ा क्रोम फिनिश में है। तो गाइस इसकी अगर मैं आपको बात करूँ इसकी सॉलिड कितना है, तो पुराने वाले से ये ज़्यादा सॉलिड है, मतलब जो प्लास्टिक में आता है, मतलब ये भी प्लास्टिक में, लेकिन इसके ऊपर जो क्रोम का जो फिनिश है उसके कारण इसकी जो रिजिडिटी है, मतलब इसकी जो हार्डनेस है वो थोड़ी बढ़ जाती है। तो क्वालिटी वाइज ये पहले वाले से अच्छा है, और थोड़ा सा डिज़ाइन में भी आपको ये जो है अलग दिखेगा। तो भाई इस टाइप से ये भी सेम टू सेम वैसे ही आता है, और इसके साथ भी आपको जो है स्क्रू वगैरह ऐसे मिल जाती है लगाने के लिए। तो भाई ये जो क्रोम सेट है ये मेरे को जो है पुराने वाले से इसकी क्वालिटी बढ़िया लगी, और इसकी आप जो है लुक आप देख सकते हैं इसकी, और काफ़ी अच्छी इसकी जो है फिनिशिंग है, और इसकी लुक काफ़ी अच्छी आएगी बाइक की। तो इसको जल्दी से मैं लगाता हूँ बाइक में, उसके बाद मैं आपको जो है इसके कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस लगाने का प्रोसेस सेम रहेगा, चार स्क्रू है, मतलब चारों साइड जो है इसके जो है कोनों में लग जाएंगे स्क्रू, और आसानी से ये जो है आपकी बाइक में फिट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर मेरी बाइक में जो पुराने वाले LED फिट हुए रखे थे। तो अगर आप कभी भी ग्रिल सेट लगा रहे हो तो आप जो ऐसे स्टॉक वाले बल्ब लगाओगे तो उससे जो है इसकी अच्छी लुक आएगी। अगर LED लगाते हो तो LED का क्या होता है कि LED जल्दी से जो है ब्लिंक करता है, मतलब वो मतलब उसके बीच में जो गैप रहता है फ्लैश होने में और बंद होने में, उसमें जो थोड़ा गैप जो है वो आपको जो है ऐसे हेलोजन बल्ब में जो अच्छा दिखने को मिलेगा। और ग्रिल सेट अगर लगा रहे हो तो हेलोजन बल्ब सबसे बढ़िया लगाने के लिए, इससे लुक अच्छी आएगी। तो इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट इसकी ग्रिल को फिट करेंगे। तो चलिए गाइस अभी मैंने इनको जो है फिट कर दिया, अभी सीधे मैं आपको जो इसकी कुछ जो है शॉर्ट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक्चुअली मेरी जो बाइक है वो है ब्लैक कलर की, और ये जो ग्रिल सेट है ये है क्रोम फिनिश में। तो इस वजह से हो सकता है कि आपको जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो इतना अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन गाइस अगर आप इसको जो है सिल्वर कलर की गाड़ी में लगाते हो तो आई थिंक इसका जो लुक है वो अच्छा निकल के आएगा। तो गाइस चलते हैं अभी जो अपने नेक्स्ट जो है ग्रिल सेट के ऊपर, जो कि फुल ग्रिल सेट है, जिसमें इसकी हेडलाइट और जो बैक लाइट है इसकी वो भी कवर होगी। तो चलिए अभी उसको देखते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप से ये ग्रिल सेट आता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो बैक लाइट की ग्रिल कुछ इस टाइप से है, आप देख सकते हैं इसको, और इसके साथ ही जो है इसकी जो फ्रंट वाला जो आपका हेडलाइट है उसकी ग्रिल भी इसके साथ ही यहाँ पर आती है। और साथ ही में गाइस इसकी जो इंडिकेटर की ग्रिल है वो भी आपको जो है इसके बीच में ही मिलती है। और यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो इंडिकेटर ग्रिल है, आप देख सकते हो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि इसकी जो फिनिशिंग है वो एक मैट में आती है और एक जो है ग्लोसी में आती है। तो इस टाइप से इसकी जो है फिनिशिंग है, और इसको मैं अभी आपको लगा के नहीं दिखाऊंगा, ग्रिल सेट जो है मैं पुराने वाले ही रहने दूंगा। और यहाँ पर जो है आपको कुछ स्क्रू मिलते हैं आपको एक्स्ट्रा लगाने के लिए, आपको यहाँ पर जो जो इंडिकेटर के जो स्क्रू है वो अलग से मिलते हैं छोटे वाले, और साथ में जो बैकलाइट में लगेंगे वो बड़े वाले स्क्रू आपको जो अलग से मिलते हैं।
तो गाइस इंडिकेटर की जो ग्रिल सेट है उसको तो आप चेंज कर लोगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसकी जो बैक लाइट की जो ग्रिल है वो कुछ इस टाइप से लगेगी। मतलब आपकी जो बैक लाइट है उसके ऊपर पूरा ऐसे कवर इसका चढ़ जाएगा। और गाइस सबसे पहले आपको जो पुराने वाले इसके जो दोनों स्क्रू है उसको खोलना पड़ेगा, और पुराने वाले स्क्रू जो है आपको जो है वो नहीं लगाने, उसकी जगह पर आपको जो है नए वाले जो लंबे वाले स्क्रू इसके साथ मिलते हैं वो लगाने हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको जो है दोनों पुराने वाले स्क्रू ऐसे खोल लेने हैं, उसके बाद आपको ग्रिल वाला जो है सेट ये लगाना है। उसके बाद आपको इसके जो लंबे वाले जो दो स्क्रू जो इसके साथ ही में आपको मिलेंगे, ये बॉक्स के साथ आपको ये जो है स्क्रू मिलेंगे, ये आपको यहाँ पर लगा देने हैं, और उसके बाद इनको जो है अच्छे से ऐसे टाइट कर देना है। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप जो है पीछे वाली जो ग्रिल है उसको इस टाइप से लगा सकते हो। और अभी जो है आगे वाली ग्रिल के ऊपर चलते हैं, और उसके बाद में आपको जो है इसके कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो है इसकी आगे वाली ग्रिल है उसको लगाते हैं। तो गाइस आगे वाली जो ग्रिल है उसको लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है इस बाइक का जो है वाइजर को खोलना पड़ता है, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से लग तो जाएगी लेकिन ये अंदर से लगेगी, ये बाहर से आप इसको नहीं लगा पाओगे। तो इसके साथ कोई स्क्रू वगैरह भी नहीं इसके साथ लगेगा। तो चलिए सीधा भी जो बाइक के वाइजर को खोलते हैं, उसके बाद मैं इसको लगाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको जो है इसके कुछ शॉट्स दिखाऊंगा। तो चलिए सीधा भी जो इसको लगाते हैं। सो गाइस आप देखते हैं मैंने बाइक के अभी वाइजर को खोल दिया है, और वाइजर को खोलने के बाद आप इसको जो है या तो आप वाइजर में फंसा सकते हो या फिर हेडलाइट के ऊपर कुछ इस टाइप से आपको लगा लेना है। और ये जो कट वाला जो पोर्शन है इसको नीचे साइड रखना है, क्योंकि यहाँ से जो आपके हेडलाइट के एडजस्टमेंट वाला जो स्क्रू है उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर पाओगे। तो इस टाइप से आपको लगा के उसके बाद आपको जो वाइजर को ऐसे वापस से बंद कर देना है कुछ इस टाइप से, और इसके जो दोनों जो हमने जो 10 नंबर वाले जो नट इसके खोले थे उनको जो है टाइट कर देना है। और इस टाइप से आप जो है फ्रंट वाली जो ग्रिल है उसको इस टाइप से लगा सकते हो। तो चलिए गाइस अभी जो है इसके मैं आपको जो है कुछ शॉट्स दिखा देता हूँ। तो गाइस अभी मैंने आपको जो है तीनों ग्रिल सेट का जो आपको रिव्यू दे दिया है, अभी आपको कौन सा ग्रिल सेट पसंद आया तो वो मेरे को जो आप कमेंट बॉक्स से टाइप करके बताना। बाकी गाइस अगर आपको ये तीनों में से कोई भी परचेज करना रहेगा तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आकर इसको जो परचेज कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ गाइस इसकी वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोज़ मिलती रहे। सो गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका।